हेलो गाइस, वेलकम टू तेजमंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, बात करेंगे डीसी यूनिवर्स के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में, और वीडियो के एंडिंग में एक छोटी सी बैड न्यूज़ है जो कि है केविन से रिलेटिव, जो कि एक कॉमेडियन एक्टर है। तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और एक बैड न्यूज़ भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर एंड गेम की बिहाइंड द सीन इमेजेस के बारे में, जो कि है आयरन मैन से रिलेटिव, थॉर से रिलेटिव ब्रो थॉर जो कि मोटा वाला है, और कैप्टन अमेरिका से रिलेटिव, ए फोर्स टीम से रिलेटिव, जो कि इमेज काफ़ी सारी हैं। तो मेरी वो सारी इमेजेस ट्विटर अकाउंट पर डली हुई हैं फुल एचडी में, अगर आपको देखने तो आप डाउनलोड कर जाके देख सकते हो। इन इमेजेस में हमें काफ़ी सारे ईस्टर एग पॉइंट और काफ़ी सारी डिटेल नज़र आती हैं, जो कि शायद आपको नज़र नहीं मिलेंगी मूवी में भी। तो इनको देखिएगा ज़रूर, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। और साथ ही साथ एक इमेजेस देखने को मिली है बिहाइंड द सीन फैल्कन इन द विंटर सोल्जर की, जो कि यूएस एजेंट का लुक नज़र आ रहा है, जो कि पीछे खड़े हुए दाढ़ी बढ़ाकर। और इनका जो कॉस्ट्यूम है वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर टाइम रिवील्ड कर दिया गया है, जो कि कैप्टन अमेरिका के कौन सा पार्ट में पहने हुए हैं। तो अगर आप इन्हीं अंदाजा लगा सकते हो कि ये सूट कैसा दिखेगा, तो ये कौन सा पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाला है। उसी के साथ बैटमैन की बिहाइंड द सीन इमेज देखने को मिली है, जो कि है जस्टिन लीक की। पर अब इस इमेज को रिवील करने का फायदा क्या, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट का तो अता पता नहीं है। और साथ ही साथ जब एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन मरे थे, तो इटली में आयरन मैन की याद के लिए एक पुतला बना गया स्टील का, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी कमाल का जबरदस्त लग रहा। उसी के साथ एलिना गोल्डिंग, जो कि एक पॉप सिंगर है, मैं इनका काफ़ी बड़ा फैन हूँ, आप इनके गाने सुनते होंगे तो आपको थोड़ा दुख लगेगा, इनकी शादी हो चुकी है, तो काफ़ी लोगों का दिल टूटेगा। साथ ही साथ अब बैड न्यूज़ की बारी है, तो फाइनली केविन जो कि एक कॉमेडियन एक्टर है, इनकी अपकमिंग मूवी जुमांजी, जो कि अपनी कार लेकर हाईवे पे चल रहे थे, स्पीड काफ़ी तेज़ थी और इनका एक्सीडेंट इतनी बुरी तरीके से हुआ कि इनकी कमर में लग गई और काफ़ी ज़्यादा मतलब घायल हो चुके हैं और इनका ऑपरेशन चल रहा है बैक साइड का। तो डेविड जॉनसन ने भी इनको मैसेज करा है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और कोई बात नहीं, जल्दी से सही हो जाओगे, मैं भी इनके लिए प्रे कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गाड़ी के चिथड़े उड़ चुके हैं। और अब आईटी चैप्टर 2 रिलीज़ होने वाली हिंदी में, और साथ ही साथ इसको जो परसेंटेज मिले हैं वो है 82, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देन मूवी का पहला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। उसी के साथ वर्ड्स ऑफ पेरी की सेट फुटेज आई है, सेट वीडियो आई है, जिससे कि कन्फर्म होता है कि इसकी रीशूट चल रहे हैं। और उसी के साथ एक और पोस्टर लॉन्च हुआ है काफ़ी कमाल का, ग्रेट एन हैंसल का। इससे पहले भी एक मूवी आई थी इसी नाम की, पर उसका नाम कुछ अलग तरीके सा और बीच में FEEDV लिखा हुआ है, जो कि आप समझ गए होंगे। उसी के साथ रॉबर्ट पैटिसन ने कंफर्म कर दिया है कि वो बैटमैन का रोल लॉन्ग टाइम तक प्ले करेंगे, आने वाली जस्टिस लीग मूवी तक के भी पॉसिबली। सुसाइड स्क्वाड मूवी में काफ़ी सारे कैरेक्टर कास्ट रिवील कर दी गई है, जिसमें कि पीटर भी शामिल हैं। अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। एलिजाबेथ ओल्सन ने IMDb के इंटरव्यू में एक चीज़ रिवील करी कि वो एवेंजर एंड गेम में थैनोस को मार देती हैं, पर स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था और चेंज कर दिया गया, मतलब था पर चेंज कर दिया। उसी के साथ टॉम हॉलैंड ने GQ इंटरव्यू में रिवील करा कि वो बिग स्क्रीन पर माइल्स मोरेलेस और पीटर पार्कर को एक साथ देखना चाहते हैं। अब ये सपना कन्फर्म होता है या नहीं, या सच होता है क्या नहीं। उसी के साथ टॉम हॉलैंड ने एक चीज़ और रिवील करी कि स्पाइडरमैन का कैरियर सोनी के हाथ में बिल्कुल सेफ है। जी हाँ, अब बात करते हैं ब्लड शॉट के ट्रेलर के बारे में। तो डायरेक्टर ने कन्फर्म कर दिया कि जो विन डीजल की अपकमिंग मूवी है ब्लड शॉट, वो ट्रेलर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये मूवी 2020 में फरवरी में रिलीज़ हो रही है, तो अक्टूबर में भी अगर ट्रेलर लॉन्च नहीं होता है तो भाई बहुत गलत है। तो अक्टूबर में आपको 100% ये ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।